तीसरा प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर आया सूरज कुमार। पाकिस्तान के साढ़ा टे साल का पो चुको है पंजे होम ग्राउंड से एकड़ी सीरीज विन कई है। पाकिस्तान इंग्लैंड के ब एक साथ हरा उनकी यकीन गाल बोल कह पर कल ऑस्ट्रेलियन टूर ला पाकिस्तान जो स्क्वाड अनाउंस थो पाकिस्तान जो नयो जो वाइट बॉल कैप्टन आ उनके भी जो अनाउंस किया कल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के तरफा रिजवान जो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान जो नयो वाइट बॉल कैप्टन मुकर्र किया उन्हें गुड आगा सलमान के जो है नयो पाकिस्तान जो वाइस कप्तान मुकर्र किया है। हाँ मुख्तलिफ शयन गाल बोल जरूर कहकर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी कल अनाउंस थे जैमा वा वा नाला जो पाकिस्तान क्रिकेट जहाँ वो बाहर क्या वह जैमें हसन अली शामिल है इफ्तिकार अहमद शामिल है फखर जमान जो है कंट्रोवर्शियल ये टॉपिक थोड़ा उन्हें एक ट्वीट कई बाबर आजम के हवाले से तो बाबर आजम के जो बो जो मैच थो पे अगेंस्ट इंग्लैंड का पैं जो बाबर आजम की टीम का बाहर कड़ो वो उनो उन ट्वीट किया तो बाबर आजम पाकिस्तान वो खिलाड़ी है इंडिया भी जो विराट कोहली की खराब परफॉर्मेंस गए विराट कोहली के बाहर को टीम से गड रखो यानी उन ट्वीट के कर पीसीबी काफ़ी नाराज़ थी फखर जमान से शोकॉस नोटिस भी जारी कर फखर जमान उनको कोई खास जो है मुतमिन न कर सको पीसीबी कहीं कोई खास जवाब न दे सको जैसी वजह से पीसीबी जगह उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बाहर कड़ी छोड़ो है। हाई जो है ऑस्ट्रेलियन टूर जो है उन स्क्वाड अनाउंस थे उनमें भी फखर जमान जो नालो न है। कल स्क्वाड जो अनाउंस थे ऑस्ट्रेलियन टूर ला ओडीआई टी ट्वेंटी लाइक गडो गड जो है जिम्बाब्वे के खिलाफ जो टी ट्वेंटी मैच ओडीआई सीरीज है उन लाइ भी जो है पाकिस्तान जो स्क्वाड अनाउंस थो है। 4 नवंबर का बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की पैरों मैच है पाकिस्तान जो एमसीजी ग्राउंड से उन टीम सिलेक्ट थी उन यकीन गाल बोल कहो एतरी काबिल आए जो असा ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया में वही हारासी मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में असा यो एडो वो मार्को माने सी या न इन गाल बोल कह शोएब रहमान से हमारे साथ शोएब रहमान स्टूडियो में हमारे साथ शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सूरज? बिल्कुल शोएब भाई, बहुत हैपनिंग ये वीकेंड था क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले जो हमने 2 मैचेस की 3 मैचों की सीरीज जीती अगेंस्ट इंग्लैंड जो कि एक काफ़ी अरसे बाद हम इंतजार कर रहे थे, 3.5 साल बाद हमने ये सीरीज जीती अपने होम कंडीशन में इंग्लैंड को हराया। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें बहुत सारे नाम जो है टीम से बाहर हो गए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो बाबर आजम के करीबी दोस्त थे वो बाहर हो गए, उस पर काफ़ी बातें चल रही। रमीज़ राजा ने जो एक इंटरव्यू किया मैचेस जीतने के बाद शान मसूद के साथ उस पर भी बहुत बातें चल रही है कि भाई ये किस तरीके से वो जो हंस रहे थे शान मसूद के ऊपर, कैसे वो इंसल्ट कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और पीसीबी ने बाकायदा इसका नोटिस भी लिया है शोएब भाई, हमने ब्रॉडकास्टर के साथ जो है खत भी लिखा है। इस पे हम बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैचेस जो हम जीते हैं, मुबारक हो कि जनाब वो पाकिस्तान क्रिकेट ने तकरीबन 3 साल 8 माह और 11 दिन या पता नहीं 20 दिन के बाद टेस्ट मैच जीता था, फिर उसके बाद ये सीरीज जीत लिया। हम तकरीबन वही 4.5 साल बाद पाकिस्तान के अंदर सीरीज जीतने के काबिल हुए और ये बड़ी खुशी की बात है। देखो हमें लहर खुशी की लहर दौड़ गई ना, आज हमारा बातचीत करने का हमारा स्टांस जो है बिल्कुल अलग है, हमारी बॉडी लैंग्वेज अलग है। सही बात, मतलब हम लोग देखो किसी के खिलाफ नहीं है, किसी प्लेयर के बिल्कुल कोई हमारा ना रिश्तेदार है। अगर बाबर आजम जा रहा है और अगर शान मसूद आ गया या रिजवान आ गया तो ना वो उससे कोई हमारी दुश्मनी ना ये कोई इनसे हमारी रिश्तेदारी, हम तो क्रिकेट के शहदाई हैं। सही बात है, हमें तो क्रिकेट जो अच्छी करके देगा हम तो उसके साथ हैं, उनके साथ हैं हम बिल्कुल। तो अब जो हम पहले बातें कर रहे थे हमें लग रहा था कि शायद पीसीबी खामोश हो गई, ऑपरेशन की बात हो रही थी, तो अब हमें ऑपरेशन होते नजर आ रहे हैं। ये ऑपरेशन बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हो गया कि यार बंदे की जान ही ले लोगे कि काकी जाब ने जो सर्जरी की है? बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन खिलाफ भाई ये टोटल यंगस्टर को लेके जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। देखो हम इसी पे तो बात कर रहे थे जिस तरह अभी तुमने इंट्रो में बात करी फखर जमान, फखर जमान अच्छा प्लेयर हो कुछ है, देखो इदारे से कोई बड़ा नहीं है, अगर आप इदारे से बड़े हो जाओगे ना तो इदारा तबाह हो जाएगा। सही बात, आपका वो कोई क्या नाम है कैपेसिटी में नहीं था कि आप जनाब के पीसीबी के ऊपर तंकीद करो या उनके फैसले के खिलाफ जाओ। पीसीबी का डिसीजन है, आप किस हिसाब से कैसे डाल? अच्छा कल जो है मीटिंग एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की, वहां सवाल भी हुआ कि भाई फखर जमान को आपने बाहर किया गया है, आखिर वजह क्या है, क्या उनकी वजह ट्वीट है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल है, उन्होंने कहा बिल्कुल ट्वीट एक बड़ी वजह है लेकिन साथ साथ उन्हें फिटनेस और ये सारी इसके भी मसाइल है, मगर मैं कह रहा हूँ कि फिटनेस के नहीं, ये दूसरों को मैसेज देना चाहिए कि जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं आप पीसीबी के डिसीजन में आप कम से कम उसमें आप मदाखलत नहीं कर सकते, किसको लेना है किसको नहीं लेना ये कोई प्लेयर्स का सवाबदीद नहीं है। सही है, ये सिलेक्टर का काम है। तो मैंने पहले भी कहा था कि ब्रेक कहा जा रहा है, मुझे कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक का पॉइंट नाज़रीन वापस दींदा थी तमाम घड़ी शयूं हैं जिन्हें गाल बोल करनी है असांगे रेखा वो वापस आ जाओ।
वेलकम बैक नाज़रीन, असा गाल बोल कई पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जे लाए जेका स्क्वाड अनाउंस थियो है ऑस्ट्रेलियन टूर लाए पाकिस्तान टीम जो हुंदे गाल बोल कई पे। उनमें काफ़ी अड़ा क्रिकेटर जेका बाहर कया वे, फखर जमान एक वडो नालो है। शो भाई फखर जमान पे आप बात करे थे, कंटिन्यू करे बस। देखो फखर जमान की मैं बार बार ये बात कर रहा था, कोई भी प्लेयर ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाएगा तो पीसीबी को ऐसे ही एक्शन लेना चाहिए। सही है। उसने वही अपनी देखो, एक तो वो इंतहाई अजीम किस्म का यूथिया है, और जिस तरह हमारे मुल्क की बर्बादी हुई है ना, इसी तरह क्रिकेट बोर्ड की बर्बादी का आगाज भी 2019-20 से हुआ था कि जब एक को कप्तान बनाया गया था, दूसरे को चेयरमैन बनाया गया था। और आप वहां से देख लो, हमारे को कप्तान बनाया गया था किस चीज का? बाबर आजम को कप्तान बनाया गया। और ऊपर तो नहीं जा रहे ना दादा कप्तान? हाँ नहीं नहीं, कप्तान ने कप्तान बनाया था और ये चेयरमैन बन गए थे। तो ये आज तक अपनी बात पर कायम है, उस पर लगा पड़ा हुआ है। अरे यार, अगर आपका तो आप शो पे ये नहीं समझते कि यार फन मूवमेंट था, मैच जीते हुए थे तो उन्होंने थोड़ा मजाक कर लिया? कोई मजाक नहीं करते। वो उसने उससे पहले भी एक उसने मैच के दौरान स्पीच दी थी कि जनाब, उसके अंदर जब उनका नासिर हुसैन कैप्टन था तो उसने ये बात की थी कि बाबर आजम एक बड़ा प्रोडक्ट है, उसके बगैर हम पाकिस्तान, ये तो बिल्कुल हमें पता है। लेकिन मैन ऑफ चीज जो हाईलाइट हो रही है ना शो भाई, वो आप बात कर रहे हैं कि यार आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे ले ली 6 मैचेस हार के। यार आप उसको छोड़ो, पाकिस्तान 3.5 साल बाद जीता है, तुम एक मीडियोकर किस्म के कैप्टन रहे हो, तुमने 5 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की थी। शोएब भाई देखे, श्रीलंका के खिलाफ तुम भी हारे थे बुरी तरीके से। देखे मेन चीज ये है कि जो चीज हाईलाइट अभी हो रही है ना, उन्होंने कोई सवाल किया था शान महसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बाद में पिच साइड जो एक शो होता है इनका मैच के बाद, तो शान महसूद ने सवाल किया कि भाई जो 6 मैचेस आप हारे थे ना इससे पहले, वो फीलिंग कैसी थी, वो रिकॉर्ड आपने कैसे बनाया? मजाक में कह दिया यार, क्या हो गया? वो मजाक में कह दिया आपको गलत उस वक्त, तो कौम आप उसको छोड़ दो। और वो मैचेस जो हम हारे हैं, 3 मैच हम उसमें ऑस्ट्रेलिया में हारे हैं, आप उससे ये पहले बताओ पाकिस्तान का कौन सा कैप्टन है जो ऑस्ट्रेलिया में जीत कर आया? सही बात, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 मैच बांग्लादेश के खिलाफ हारे हैं, बांग्लादेश के अंदर हारे तो वो प्रेशर में, अगर उसको छोड़ो इंग्लैंड से जीते हैं, इंग्लैंड 4th नंबर की टीम है और हम 9वें नंबर की टीम, हम वहां से जीते तो उसको पहले सेलिब्रेट कर लो। फिर एक उन्होंने एक और बात की अहमकाना के जनाब, उसके अंदर जो ना ब्लड की कमी लग रही है नौमान अली के अंदर, ये आपको याद है? बिल्कुल, इसमें ब्लड की, यार आप वो 38 साल की उम्र में उसने तकरीबन 19 विकेट लेके दे दी जिनमें ब्लड की ज्यादती थी, शादाब खान में, बाबर आजम में, हसन अली में, तो उन लोगों ने किया क्या? क्रिकेट को तबाह कर दिया ना उनके। अभी स्क्वाड में जो इफ्तिकार अहमद नहीं है, फखर जमान नहीं है, पूरा वो ग्रुप नहीं है जिसपे दोस्ती यारी का छाप थी, पूरा का पूरा वो ग्रुप मोहसिन नकवी के, जिसमें हम तनकीद कर रहे थे कि यार वो ऑपरेशन कब होगा, आखिरकार उन्होंने वो ऑपरेशन करके दिखा लिया। हालांकि वो भी सवाल मारता है अपना आकिब जावेद, मगर आकिब जावेद, अलीम दार और अजहर अली ने आके जो ये डिसीजन ले रहे हैं तो मैं इनके डिसीजन को बैक करता हूं। इसी किस्म के बोल्ड डिसीजन लें, कोई बड़ा प्लेयर नहीं, इदारे से कोई बड़ा नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो बेहतर हो वो आपको करना चाहिए। अच्छा, इन डिसीजन से फायदा भी हुआ? लेकिन जैसे इन्होंने डिसीजन लिया, नसीम शाह, शाहीन जाफरी, बाबर को बाहर किया, मैचेस हम जीत गए दोनों, जीतना शुरू हो गए ना, जीतना शुरू हो गए। यार हम तो जीत ही भूल गए थे, हम कहां से कहां चले गए। ये आप नहीं समझते कि यार टोटली हम यंगस्टर के बेस पर हम स्क्वाड लेके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की ए टीम खेलेगी हमारे पास सामने। तो तुम मुझे बताओ कि हम टोटली जब हम अपने सीनियर प्लेयर ले गए तो क्या कर लिया था? जैसी टीम देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमामुल हक, मुश्ताक अहमद, सब बड़े बड़े तुर्रम खान गए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कभी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा नहीं है, तो हमेशा हार जाएंगे, इस बार भी हार जाएंगे। टोटल 3 या 4 टेस्ट मैच जीते हैं, 2 शायद मुश्ताक अहमद की क्यादत में, 1 मियादाद ने जीता था, 1 वसीम अकरम ने 96 में। उसके बाद शाहनवाज दानी को सिलेक्ट कर दिया गया जिम्बाब्वे टूर के लिए, अच्छी बात है। लेकिन खराब बात यह है कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा गया, 2500 खिलाड़ी अनाउंस हुआ है उसमें शाहनवाज दानी नहीं है। अच्छा, शाहनवाज दानी नहीं है, फहीम अशरफ भी नहीं है, एहसान उल्ला भी नहीं है, इफ्तिकार अहमद भी नहीं है, मोहम्मद नवाज नहीं है, सरफराज अहमद नहीं है, सरफराज अहमद नहीं है, मेरे ख्याल से खत्म हो गई है उनकी कहानी। सरफराज अहमद के लिए तो कह रहे थे कि वो इज्जत से अपने रिटायरमेंट ले ले, कि इस तरीके से कि जनाब वो पहले उसकी क्वेटा ग्लेडिएटर ने। अच्छा, दो चीजें शोएब भाई समझ नहीं आई, एक तो इमाम उल हक की, मतलब उसको बाहर कर दिया गया, एक तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, और साथ इमाम उल हक की फिटनेस के मसाइले, इमाम उल हक के जो ना, वो जो इनका यो कौन सा टेस्ट है, हाँ, तो उसके अंदर जो है ना फिटनेस के उसके बड़े मसाइले इमाम उल हक के। तो आप समझते हैं कि फिटनेस जो है बाकी खिलाड़ियों की सबकी ठीक है? देखो, एक उन्होंने परसेंटेज रखी है कि 60% तो आप वो टेस्ट कम से कम पास करें, आप 100%। अच्छा, फिर होता क्या है, बॉलर के लिए उसका परसेंटेज अलग है और बैट्समैन के लिए अलग है, स्पिनर्स के लिए अलग है, फास्ट बॉलर्स के लिए अलग है। सही है, सही है। तो इस तरीके से अगर आप बैट्समैन है तो बैट्समैन को अलाउ होता है कि यार कम से कम आप 60% पे तो जाएं, तो वो कुछ प्लेयर जो 60% पे भी नहीं जा रहे तो वो उनको नहीं लिया जा रहा।
अच्छा, वाइस कप्तान के लिए यही ऑप्शन बचता था कोई और हो सकता? नहीं, ये मेरे ख्याल से बड़ा ठीक अच्छा ऑप्शन यूँ अच्छा है कि सलमान अली आगा जो है ना, देखो तवातर से वो एक वाहिद प्लेयर है, बड़ा एनर्जेटिक प्लेयर है, वो टेस्ट के अंदर जो है ना वो परफॉर्म करता है, जब भी छठे नंबर पर आता है, जब भी उसको जरूरत होती है। सही है, तो ऐसे प्लेयर को हमें लाजमी पुश करना चाहिए। अच्छा, एक और प्लेयर जो है मोहम्मद हारिस, उनको ना T20 में रखा गया, ना टेस्ट में रखा गया, ना ODI में रखा गया, ना ही उनको सेंट्रल कॉन्टेंट में रखा गया, लेकिन वो कप्तान है पाकिस्तान इमर्जिंग एशिया कप में। उसके अभी है, मेरा ख्याल है कि साहबजादा फरहान जो है ना वो विकेट कीपिंग में ऑप्शन जो है ना वो बेहतर है। अच्छा, मुझे लगता है उसकी बैटिंग भी है, साहबजादा फरहान की जो है ना वो बड़ा साउंड। लेकिन T20 के लिए सैम अयूब को नहीं रखा गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सैम अयूब को, मगर उसमें तो जिम्बाब्वे के टूर में तो है, जिम्बाब्वे में भी T20 में नहीं, ODI में, ODI के अंदर है। तो वो ठीक है कि जनाब वो अगर इस किस्म के कैटेगराइज कर रहे हैं कि यार वो ODI के अंदर आप अलग रखें, T20 का अलग रखें, तो मेरे ख्याल से ये, क्योंकि पिछले उसके अंदर 10-12 T20 के अंदर सैम अयूब को खिलाया गया है और वो परफॉर्म नहीं दे सके, तो ये 10-12 T20 के अंदर काफी T20 होते हैं, तो अगर उनको लग रहा है कि यार अच्छा वो, अब मुझे लग रहा है कि जनाब वो सैम अयूब शायद टेस्ट के अंदर बेहतर वो बनते जा रहे हैं, तो ODI में उनको दे रहे हैं, तो ODI के और टेस्ट का एक कॉम्बिनेशन में अगर वो बेहतर खेल सकते हैं तो ये अच्छी बात है। अच्छा शोभ भाई, ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ MCG में 4 नवंबर को है, तकरीबन 9 दिन या 8 दिन रहते हैं बाकी। क्या लगता है कि पाकिस्तान की कैसी परफॉर्मेंस वहां पे रहेगी इस स्क्वाड के साथ? कोई उम्मीदें हम लगा सकते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ना सीरीज जितना कोई बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वनडे की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही है, हम अपनी हिस्ट्री का जो एक वर्ल्ड कप जीते हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीते हैं। सही है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमेशा ये है कि जो टीम बड़ा तरीके से खेलती है वो परफॉर्म करती है, टेस्ट में हमारी वहाँ परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। सही, तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से अगर टीम अभी जेल हुई, देखो एक तो जीत का बड़ा पॉजिटिव असर पड़ता है टीम की बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो अच्छा, फिर इंग्लैंड को आपने हराया है तो इंग्लैंड को एक बड़ी टीम है, हम उसकी बात कर लें कि यार जब हम हार रहे थे इंडिया में बड़ी शादियाने बज रहे थे, मकसद वहाँ के यूट्यूबर वहाँ के एक्सपर्ट अब वो इंडियन क्रिकेट को पता नहीं कहा, इंडिया को क्या हो गया अभी? मैं बार बार एक बात कर रहा था कि यार टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंडिया का फ्यूचर अच्छा नहीं है, तुम प्रोग्राम यार टेस्ट के अंदर जो है ना इंडिया, हालांकि इस सीरीज से पहले और इंडिया की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही, तुमने कहा छुपे लगता तो नहीं है, मैंने कहा देख लेना जिस दिन अगर रोहित शर्मा और कोहली परफॉर्म नहीं करेंगे, इनके पास कोई दूसरा प्लेयर है नहीं परफॉर्म करने के लिए, इस दोनों टेस्ट मैच के अंदर देख लो ना रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया ना कोहली ने परफॉर्म किया, तो कोई दूसरा भी परफॉर्म करके नहीं दे करके नहीं। अच्छा विराट कोहली की हम बार बार बात करते थे कि ये कंसर्निंग साइन है उनके लिए, जब से T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, बल्कि T20 वर्ल्ड कप में भी उनकी खास परफॉर्मेंस तो नहीं रही थी, एक फाइनल में एक रन जरूर किए थे, उसके बाद जो श्रीलंकन टूर में भी फैल गए, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ भी फैल गए अब तक, तो ये कंसर्न नहीं, एक चीज़ है शायद उनका फोकस अब ज्यादा अपनी फैमिली के ऊपर है। इंग्लैंड इतना बड़ा नाम है, अगर एक आध सीरीज के अंदर उसके इस किस्म की परफॉर्मेंस आए तो मेरा ख्याल है कि उसको ओवरलुक करना चाहिए, टेस्ट के अंदर अगर वो कहते हैं कि साल दो साल में खेल सकता हूँ तो कम से कम वो कहते हैं कि पिछले कोई चार पांच सालों में सिर्फ 2 सेंचुरी है, दो सेंचुरी हमारी है। अच्छा फिर वो इंडियन बोर्ड जो है वो इस मामले में बड़ा सख्त है, वो किसी को देखता है नहीं, जितना बड़ा प्लेयर हो कुछ भी हो जब वो ठान लेते हैं इंग्लैंड की बोर्ड की तरह फिर वो बाहर बिठा देते हैं, बिठा भी देते हैं। तो अभी तक ठीक है उनको नजर आ रहा है और कोहली डिजर्व करता है कि उसको एक KL राहुल को बाहर कर दिया गया है अभी, KL राहुल और उसमें बड़ा टाई चल रहा था सरफराज खान में, तो सरफराज खान ने 150 रन मारे थे मार दिए, और तो वरना उसमें सुना गौतम गंभीर इस चक्कर में थे कि नहीं जनाब KL राहुल हमारा पुराना सीनियर और सीजन प्लेयर है हम उसको देते, मगर उस पर इतना प्रेशर पड़ा कि सरफराज को लिया गया, ड्रॉप भी कर दिया भाई। तो मैं तो कहता हूँ KL राहुल को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि वरना अगर KL राहुल के होते हुए हार जाते तो सारी जिम्मेदारी KL राहुल पे पड़ती, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो शुक्र अदा करे कि यार मैं टीम के अंदर नहीं था। तो जितनी जिल्लत जो है ना इंडिया को, देखो फर्क यह है कि हम 9वें नंबर की टीम होते हुए हमने इंग्लैंड को हराया, इंडिया पहले नंबर की टॉप की टीम होते हुए न्यूजीलैंड आ रही है अपने घर में, अपने घर के तकरीबन कहते हैं 12 साल बाद जो सीरीज आ रही है, तो वैसे आ रही है न्यूजीलैंड ने कोई मेरे ख्याल से पहली दफा इंडिया के अंदर सीरीज जीती। अच्छा तो चलो भाई ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हमें 2-4 मजी चीजें हैं जिसपे यकीन हमें बात करनी है, ब्रेक वरना ब्रेक का वापस हिंदा दी वधिक जो टॉपिक ब्रेकअप। वेलकम बैक नाज़िर सा गाल बोल कई पे पाकिस्तान क्रिकेट जे हवाले सा, ऐं हिंदर जेका रिसेंटली हिकिड़ी वॾी ख़बर जेका आई रमी राजा जे हवाले सां और हिकिड़ी हिकिड़े इंटरव्यू में जेका शान मसूद जी बेसिकली इंसल्ट कई ऐं शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूदु है, इन्होंने बाक़ायदा भरपूर जो है ट्रेंड चलाया ट्विटर के ऊपर और काफ़ी लोगों ने इनका साथ भी दिया, और मैं ये बताना चाहता हूँ शोएब भाई को
कि आपका जो ट्रेंड है, जो आपकी जो बातें ट्विटर पर वो सुन ली गई है, पीसीबी ने बकायदा जो है ब्रॉडकास्टर को खत लिख दिया कि भाई आगे से ये बंदा हमें नहीं चाहिए किसी भी सीरीज में, रमी राजा। थ्रू आउट द सीरीज हमने देखा कि वो तनकीद करते रहे, कोई एक पॉजिटिव चीज जो है रमी राजा की जुबान से नहीं निकली, टोटली नेगेटिव बातें वो करते रहे। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आप को अकले कुल समझते हैं, मकसद उनका डिसीजन ये है कि वही बात के यार बाबर आजम को बैक करते हैं तो आज भी बाबर आजम बड़ा प्लेयर है। यार कोई बात हो गई, गलत हो गई, अब आप देखो कि अगर आपको आकिब जावेद पसंद हो ना हो, आपको अलीम दार अजहर अली पसंद हो ना हो, आज उन्होंने वो काम करके दिखाया, पिछले चार साल से कोई करके नहीं दिखाया। सही बात है। कोई आप टेस्ट मैच नहीं जीत रहे, बाबर आजम को जैसे ही हटाया टीम के अंदर जनाब एकदम एनर्जी दौड़ गई, आप मैच जीत के दे रहे, आप मजाक उड़ा रहे हो उसका, नौमान अली का, यार इसको तो खून की कमी है, शर्म कर रहे हो यार। आप पीसीबी के चेयरमैन रहे हो, आप अपनी बात पे कायम हो के नहीं जनाब, आज भी जो है वो दोस्ती यारी ग्रुप जो था उसकी वजह से था। तो ये बहरहाल अगर ये बात वो ट्रेंड जो था मेरा वो मकसद आवाम ने भरपूर साथ दिया, भरपूर साथ दिया, मैं खुद देख रहा था आपका ट्रेंड, उसके अंदर जो है वो सब लोग आ गए, मकसद मैं ही नहीं पूरे पाकिस्तान में लोग जो है बड़े बड़े जर्नलिस्ट आपका साथ दे रहे, तो बिल्कुल ठीक है। मकाना बात को उसको किसी ने भी पसंद नहीं किया, वो मकसद उसकी बातों से लग रहा था कि जनाब वो पाकिस्तान की जीत पे खुश नहीं है, जो उसकी कही हुई स्टेटमेंट थी कि यार वो गलत साबित हो रही है। अब तनवीर अहमद की बात करूं, तनवीर अहमद जो है वो इंतहा, वो भी मुंह से ऐसे फायर मारते हैं कि वो आकिब जावेद तो इतनी, वो भी बड़ा सपोर्ट करते हैं बाबर आजम को कि ये क्या हो गया, कल उनका बिल्कुल पलट गए वो कि जनाब देखा ना जैसी अगर टीम बदली तो पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। आमिर आमिर की भी एक वीडियो अभी चल रही है, रमीज आमिर, राजा हाँ, आमिर जो रमीज राजा के खिलाफ उसमें से बात कर रहे थे, वो वीडियो काफी वायरल हो गई। इन दोनों की वैसे ही नहीं बनती थी, जब वो चेयरमैन थे रमीज राजा उसको पसंद नहीं करते, तो आमिर ने भी रमीज राजा के खिलाफ तो तकरीबन हर कोई मेरे ख्याल से दिल में बड़ा बैठा हुआ था। मुझे इतने मैसेजेज आए कि शिवपा ये तो बड़ा अच्छा किया है रमीज राजा पे, तो आपने बिल्कुल सही टाइम, क्योंकि ये ब्रॉडकास्टर ने हायर किया था इनको, पीसीबी का डायरेक्ट कोई कंसर्न नहीं था, वो एटली खत लिख सकते थे, उन्होंने लिख दिया है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट सीरीज में नजर नहीं आएंगे। अरे बहुत देखो, इसकी तो जनाब वो इज्जत अफजाई जो है ना एक प्रोग्राम के अंदर मोहम्मद यूसुफ ने की थी, मोहम्मद यूसुफ और रमीज राजा बैठे हुए थे, जो मोहम्मद यूसुफ ने सुनाई थी कि आप एक मीडियोकर प्लेयर थे, आपके 2600 रन थे, आपसे अच्छी समझ बूझ, तो वो मोहम्मद हफीज ने क्या दिया था कि मेरा 12 साल का बेटा रखता है। तो अब वो रमीज राजा ठीक है, देखो इनके क्रेडिट में सबसे अहम चीज जो जाती है ना, ये एक हमारे इंग्लिश टीचर थे, एक तो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, दूसरे वसीम हसन राजा एक बड़े फेमस क्रिकेटर थे, वो उसके बड़े भाई थे। पाकिस्तान में क्या दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो वसीम हसन राजा को नहीं पसंद करता होगा, लेफ्ट हैंडेड प्लेयर थे, बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटी थी, और पाकिस्तान के अंदर उनका बैटिंग स्टाइल जो था गर्विदा था। जब लोगों को पता चला कि यार वसीम हसन राजा के छोटे भाई रमीज हसन राजा है, तो लोग एकदम इनको पसंद करने लगे। सही है। मगर उसके बाद ये उस बिल्कुल अशर अशीर भी नहीं थे, एज ए प्लेयर तो फेल गए, एज ए प्लेयर तो ही मीडियोकर प्लेयर थे, बस एक इंग्लिश अच्छी बोलना जानते थे, प्रोफेसर वगैरह होता तो होता, बाकी उसके अलावा क्रिकेट के अंदर तो क्रिकेटिंग माइंड इनका बातों से आप अंदाजा कर सकते हैं। तो बहरहाल पीसीबी का, लेकिन जब वो चेयरमैन थे तब हम जीते थे इंडिया से पहली बार, तो किसी भी ओडीआई एक मैच जीत लिए थे, और वही हमारा मैच जो था ना गले पड़ गया था, वो ले लेके बैठे, और उसी मैच की वजह से बाबर आजम जो है ना चार साल हमें भुगतना पड़ा। हाँ अच्छा शिवा भाई, मैं एक और चीज की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अच्छा बाबर आजम की जो बाबर आजम का जो ग्रुप था ना, वो सब का सब जो है जितने भी लड़के थे वो सेंट्रल कंट्री से बाहर हो गए, क्या ये सही डिसीजन है पीसीबी का कि यार ठीक है दोस्ती यार अपनी जगह पे, लेकिन जो प्लेयर अच्छे हैं जैसे हसन अली या फिर इफ्तिकार अहमद या उसामा मीर, ये सारे जो बाबर आजम के फेवरेट देना, सबको बाहर कर देना, ये सही डिसीजन? उसामा मीर भी मेरा ख्याल से फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सका, बाकी ये जो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम दे दिया गया कि ये फिटनेस नहीं, उसामा मीर तो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सका, और बाकी आप जो बात कर रहे हो कि जनाब नवाज किसी भी सूरत में फिटनेस टेस्ट पास करे ना करे, अब उसका बनता नहीं है टीम के अंदर आना, इफ्तिखार का किसी भी सूरत में उसको आपने, मोहम्मद नवाज का भी नहीं बनता, मोहम्मद नवाज का भी नहीं बनता, इफ्तिखार का भी नहीं बनता, इनका बनता नहीं, इवन क्या नाम है इमामुल हक फिटनेस का मसला है, इवन इसका बाबर आजम का, बाबर आजम अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो बाबर आजम ने सियासत के चक्कर में अपने आखिर के चार साल जो है ना जाया कर दिए। अगर बाबर आजम सियासत में नहीं पड़ता, अब वो 31-32 साल उसकी एज हो गई है, उसके टोटल टेस्ट में आज 3900 रन है, उसका मुकाबला हम करते थे विलियमसन से, उसका मुकाबला हम करते थे जो रूट से, जो रूट पिछले चार सालों के अंदर 18 सेंचुरियां बना चुका, आपने कोई 3-4 सेंचुरियां बना, आप तो उस दौर से निकल गए ना, बिल्कुल आपने सियासत के अंदर अपनी क्रिकेट को तबाह कर दिया, आपने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम एक सीरीज के अंदर खेलेंगे, बोर्ड ने अब
इन पे कोई इतनी नजर नहीं है। मकसद देखो, हम पाकिस्तान क्रिकेट ने जो ना तीन प्लेयर विराट कोहली के चक्कर में जो है हमने बर्बाद कर दिया। सबसे पहले हमने विराट कोहली नाम दिया अहमद शहजाद को, उसको हमने बर्बाद किया। उसके बाद हमने नाम दिया उमर अकमल को, उसको बर्बाद दिया। तीसरा नाम दिया बाबर आजम को। हालांकि ये प्लेयर अच्छे थे, अगर हम उनको इतना बड़ा नाम नहीं देते तो शायद ये मुल्क के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छे हो सकते। इनके इतने कॉलर खड़े हो गए, ये अपने आप को विराट कोहली प्लस समझने लग गया। अभी भी ये कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम अब इतने वो प्रेशर में आ गया, उनका एक जहन के अंदर है मैं वाली बात। इसी बाबर आजम ने अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच जिता दिए, हमें जितवा दिए, अच्छी बात है। सोचता है कि यार मेरा भी, देखो मैंने बार बार मिसाल दी कि यार इससे पहले ये साजिशें मियादात के साथ हुई, ये साजिशें वकार यूनुस के साथ हुई, वसीम अकरम के साथ हुई, कप्तानी के मसाइल आए हैं उसके साथ हुई, अपना यूनुस खान के साथ हुई, उनको हटा दिया गया। तो उन्होंने अपनी बैटिंग पे, अपनी क्रिकेट पे फोकस किया। ये वाहिद आदमी था जो जिद के अंदर अड़ गया कि नहीं मैं खेलूंगा भी, कैप्टन भी होऊंगा और हारूंगा और मुझे हटाओ मत। यूनुस खान की आपने बात की, यूनुस खान ने कहा था कि फखर जमान को कैप्टन बनाए। मगर वो फखर जमान ने जो हरकत की, इंतहाई गलत हरकत, पीसीबी का हमेशा से हर बोर्ड का रहा है कि आप जनाब, आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हुए आप पीसीबी के डिसीजन है जो उनके काम में आप मदाखलत नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल अच्छा अंदिया दिया ताकि दूसरे प्लेयर्स भी अपनी बैटिंग पे, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस रखें और बाकी ये इस सियासत व्यासत को छोड़े आप। अच्छा, कल एक सवाल अच्छा किया गया रिजवान से, उनसे किया गया क्या टीम में वाकई में ग्रुपिंग थी या क्या था। उन्होंने कहा भाई मैं भी ग्रुप का ऐसा था और वो ग्रुप था पाकिस्तान की टीम, यानी ऐसी कोई बात नहीं थी, यानी ग्रुपिंग नहीं थी। क्या आप क्या समझते हैं, वाकई में ग्रुपिंग थी या ग्रुपिंग तो देखो ना, मैंने पहले भी कहा अब हम भी इस उम्र को पहुंच गए, हम 80 से क्रिकेट को देख रहे हैं, लेट 70 से ग्रुपिंग हमें होती थी, तो हर दौर में होती है, ऐसा नहीं है। मसलन शाहीन शाह आफरीदी ने यूनुस खान के खिलाफ किया था, मियां आदाब के खिलाफ इमरान खान, ज़हीर अब्बास का ग्रुप खड़ा हो गया था। तो ग्रुप तो हर दौर के अंदर होता है। अब बात यह है कि उस वक्त के बोर्ड पे ये बात डिपेंड करती है कि वो ग्रुप को स्ट्रांग होने दे या ना दे। अभी जो बोर्ड की भी ये नाअहली थी कि जनाब वो रमीज राजा पहले तो सपोर्ट कर रहे उसको, बाबर आजम को, मगर उनका एक बयान और आया रमीज राजा का, रमीज राजा का ये बयान आया है कि जनाब ये पिचेस जो है बाबर आजम अपनी मर्जी से बनवाते थे डेड। तो यार तुम क्या कर रहे थे पीसीबी के चेयरमैन होते हुए, तो तुम तो उसमें शामिल थे, आज तुम अगेंस्ट जा रहे हो। अब बाबर आजम पे हर कोई मलबा डाल रहा है तो तुम भी डाल दो। भैया बाबर आजम को ठीक है, जितनी उस पर तनकीद बनती है बनती है, आप पे भी बनती है। बिल्कुल, आप जब पीसीबी के चेयरमैन रहते हुए आपने ऐसे काम किए क्यों? आज आखिर जावेद ने आके सीधा यार हमने जिंदगी भर फार्मूला देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसी भी हो, होम सीरीज के अंदर स्पिन विकेट बनती थी, स्पिनर खेलते थे, हम मैचेस जीतते थे। आपके सामने इंडिया का मिसाल है, पिछले 10 सालों से वो सीरीज जीत रहे हैं, ऐसे ही विकेट बना, ऐसे ही बनती थी, स्पिन फ्रेंडली बनाते हैं, जल्दी जाओ अश्विन विकेट लेते हैं, जैसे हमारे नुमान और साजिद ने लिए वहां भी हमारे पास जो था ना, हम अगर दुबई के अंदर जाके जीत रहे थे ऐसे ही जीत रहे थे यार, स्पिन ट्रैक बना लिया, कोई ऐसी मायूब बात नहीं। बाबर आजम ने जनाब अपने लिए कि नहीं मुझे बैटिंग फ्रेंडली विकेट बना दो और ऐसी विकेट बनाओ कि मैं आउट ही ना हूं और हो जाए और दूसरी टीम आके हमें हरा जाए, तो ये तो बिल्कुल गलत हुआ ना, जो कि हमारे क्रिकेट को भी नुकसान हुआ। अभी तो बाबर आजम नहीं बना कैप्टन, दो मैचेस की जीत का कितना बड़ा फर्क हो गया पूरे मुल्क के अंदर। दोबारा क्रिकेट का क्रेज जो था, एक हमारी क्रिकेट जो थी दफनाने की तरफ जा रही थी, जिसका हम तीजा स्वयं पता नहीं क्या क्या करने के चक्कर में थे, आज फिर से जो अभी जो बांग्लादेश के खिलाफ हम खेले तब तो नहीं था ना बाबर आजम कैप्टन, तब तो बाबर आजम तब ऐसी पिचेस पे बनाए, यही था कि बाबर आजम को निकाल दो। उस वक्त भी हम कह रहे थे जब बाबर आजम कैप्टन नहीं, तुम्हें याद होगा मेरी तुम्हारी बात हुई थी, इसमें शाहीन शाह आफरीदी को भी नहीं होना चाहिए, नसीम शाह को भी नहीं होना चाहिए, पूरी टीम नहीं हो, उस वक्त भी हमारी बात हुई थी। तो जब ये लड़के इन्होंने चेंज करे तो ये रिजल्ट आ गया ना यार। ठीक है सर, आगे इंशाल्लाह हम कल जो मुलाकात करेंगे इस पे मजीद जो बात करेंगे कैप्टनसी के ऊपर भी। प्रोग्राम का खत्म हो रहा है शोभ भाई, बहुत शुक्रिया आपका। खुश हो गए हमेशा से, अल्लाह सही में खुश तब हो गए जब हम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया में अच्छी क्रिकेट खेले और हरा कर आए, तो बहुत बड़ी बात है। टीम को बहुत शुक्रिया शोभ भाई, आपने प्रोग्राम वक्त दिया। अगर जी प्रोग्राम एतिरो ही पंहिंजो फीडबैक ज़रूरु ॾींदा, पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। हलो।